हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस आपको प्रोवाइड करता हूं। अब ये जो वीडियो है ना, ये स्कॉलरशिप से रिलेटेड रहेगी। और इसमें ना, ये जो स्कॉलरशिप की मैं वो बात कर रहा हूँ जिसमें आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर आपको जो है मंथली कुछ पैसे मिलते हैं जिससे कि आप अपनी स्टडी को और अच्छे से कंटिन्यू कर पाते हैं। जैसे 1500, 2000, इस तरीके से कुछ अमाउंट होती है, एप्रिसिएशन अमाउंट होती है, जो आपको काफ़ी हेल्प करती है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर एक अवार्ड होता है, इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम। ठीक है, ये जो है मैं आपको पहले से बता रहा हूँ ना कि कौन कौन से होते हैं, तो आपके आपको पता लग जाए। तो ये 1 जुलाई से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको तभी वीडियो प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो जैसे कि अगर मुझे कभी ध्यान नहीं रहा तो आप बहुत सारे वीडियो देखते हैं तो आपके माइंड में हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल। वैसे मुझे ध्यान रहेगा फिर भी। ठीक है, और एक दिल्ली स्टेट लेवल एग्जीबिशन और प्रोजेक्ट कंपटीशन होता है, ये दिसंबर में होता है। ठीक है, समझे मेरी बात? जो आप साइंस के बनाते हो ना प्रोजेक्ट वगैरह, वो ये अब आप पूछेंगे कौन सी क्लास के, तो अलग अलग क्लासेस के लिए सबके लिए होता है। ठीक है, जो साइंस से जुड़े हुए हैं। अब स्कॉलरशिप की बात कर लेता हूँ। देखो, एक तो 9th और 11th क्लास का निकलता है स्कॉलरशिप का एग्जाम निकलता है, जिसका नाम है CMS TCCS। ये पिछले साल से स्टार्ट हुआ है और ये जो है ना एग्ज़ाम अगस्त के आसपास होता है, अगस्त मंथ में। ठीक है, तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन आपको पहले थोड़ा सा भरना पड़ता है, वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। SENMMS का जो एग्ज़ाम है ये अगस्त के आसपास ही भरना होता है, और MVPP का भी एग्ज़ाम अगस्त में भरना होता है। ठीक है, और फिर आपको इनका इशू का जो कार्ड है, जो इशू कार्ड है ना, मतलब आपको कब मिलेगा। अच्छा देखो, ये अगस्त में निकलेंगे, ये भी अगस्त में निकलेंगे, पहले निकलेंगे। ठीक है, और इनका एडमिट कार्ड जब आप भर देंगे तो आपको एडमिट कार्ड सितंबर में, इसका नवंबर में, मतलब अगर आप 8वीं क्लास में, अगर आप 9th क्लास में, दिसंबर में। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर 10th क्लास का नहीं बता रहे, वो NTSC का होता है। ठीक है, वो भी इसी महीने के आसपास निकलता है, वो DOE का नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर मैंशन नहीं किया गया होगा। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 है, इनके एग्ज़ाम कब होंगे यहाँ देख लो। इसका पेपर सितंबर में होता है, अगर आप 8वीं वाले हैं तो दिसंबर में, MVPP वाले जनवरी में। ठीक है, स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम होते हैं। फिर ये बता रहा है रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, ये देखो रिजल्ट डेट भी दे रखी है। और एक मेंटल मैथ होती है, जो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं आपने पढ़ा होगा, कई बार दिया भी होगा, तो ये स्कूल में प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ठीक है, 1 अप्रैल से 16 अक्टूबर तक। फिर स्कूल लेवल पर होगा, फिर क्लस्टर लेवल पर होगा, फिर जोनल लेवल पर होगा। ठीक है, तो ये मैंने सारी की सारी डिटेल आपसे शेयर कर दी। मैं स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस लाता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स।